सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, तो असुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार। विपक्ष ने भी साधा निशाना। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के लोग उन्हें याद कर रहे हैं, तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की महिमा मंडन करता नजर आ रहा है। इस बीच AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी एक पोस्ट किया है जिसने सियासी गलियारों में कोहराम मचा दिया है। इतना ही नहीं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे और हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने की थी, इसलिए अगर कोई असली हिंदुत्ववादी होता तो वो गांधी को नहीं जिन्ना को गोली मारता। राउत ने कहा कि अगर ऐसा किया होता तो उसे देशभक्ति कहा जाता। वो बोले कि गांधी जी के निधन पर दुनिया आज भी शोक में है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए राउत ने कहा, हिम्मत थी आप में, आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी, किसी में पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता वो देशभक्ति का काम है। गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं था। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा था, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गोडसे पर कटाक्ष करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। गोडसे की महिमा मंडन करने वालों पर निशाना साधते हुए AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में लिखा, गोडसे ने गांधी का कत्ल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसकी नजरों में गांधी मुसलमान परस्त थे। आज गोडसे की विचारधारा के वंशज भी जब भारत से बाहर जाते हैं तो गांधी के कसीदे पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन गोडसे हमेशा के लिए कायरता का प्रतीक रहेगा। ओवैसी अपने एक और ट्वीट में लिखते हैं कि गांधी हमेशा जिंदाबाद रहेंगे, गोडसे हमेशा मुर्दाबाद रहेगा। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।